नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेथी दाने के बारे में। दोस्तों, मेथी दाना हमारे किचन में बहुत लंबे समय से यूज़ होता आ रहा है एज ए फॉर्म ऑफ स्पाइस या कि मसाले के तौर पर। लेकिन दोस्तों, मेथी दाने का प्रयोग हमारे देश में बहुत लंबे समय से एक औषधि, एक मेडिसिन के फॉर्म में होता आ रहा है और ये बहुत सारी बीमारियों के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे मेथी दाने के कुछ ऐसे फ़ायदे जिसको सुनने के बाद अगर आप मेथी दाना नहीं खाते हैं तो शायद आप उसको खाने के लिए विवश जरूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेथी दाना ना सिर्फ हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए बल्कि शरीर के ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आज हम उसके 6 ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी बीमारियों में ये यूज़ होता है, पर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम इसके 6 ऐसे महत्वपूर्ण फायदे के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि हमें इसको कैसे लेना है और किस समय पर इसको लेना अच्छा होता है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में जानना। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप ओबेज हैं, तो मेथी का दाना आपके शरीर के लिए एक रामबाण जैसा काम करेगा। दोस्तों, इसमें एक चीज़ पाई जाती है, इसको बोलते हैं गैलेक्टोमेनन। ये आपके शरीर के एपेटाइट को, जो आपका भूख लगने की टेंडेंसी, उसको कम करता है। साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है, जिसके फलस्वरूप आपका जो वज़न है धीरे धीरे करके कम होने लगता है। ऑब्वियसली अगर आपको भूख ज़्यादा नहीं लगेगी तो आप ज़्यादा अमाउंट में खाना नहीं खाएंगे, और ज़्यादा अमाउंट में आप खाना नहीं खाएंगे तो वो आपके बॉडी में फैट के फॉर्म में डिपॉजिट होने नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम करता है आपके एपेटाइट को कम करने के लिए। दूसरे इसके पॉइंट की बात हम करेंगे दोस्तों, शुगर पेशेंट्स के लिए। दोस्तों, शुगर पेशेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है, बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप इसको ज़रूर लेना शुरू करें और ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। दोस्तों, अगर आप इसके 2 चम्मच मेथी दाने प्रतिदिन खाते हैं तो ये आपके शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको कम करने में, साथ ही साथ आपके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, आपका शुगर लेवल कम करता है। स्पेशली जो डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट हैं उनमें ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं, तो आप डेफिनेटली इसको ज़रूर ट्राई करें। तीसरा पॉइंट दोस्तों, उन लोगों के लिए है जो मस्कुलर बिल्डिंग चाहते हैं अपनी बॉडी में, जो लोग अपने जो फैट वाली बॉडी है उसको ट्रांसफॉर्म करके मस्कुलर करना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा, यानी मेथी का दाना बहुत ही अच्छा काम करता है उन सभी लोगों पे। ये आपकी मसल स्ट्रेंथिंग में आपको हेल्प करता है, साथ ही साथ मसल इंड्यूरेशन में भी आपको मदद करता है। आपकी मसल्स में टोन आएगा, आप में मस्कुलरिटी बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप में मसल बिल्डिंग अच्छी हो तो आप ज़रूर मेथी दाना ट्राई करें और ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, वीमेन यानी कि महिलाओं के ऊपर इसका कैसा प्रभाव होता है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी काम करती है पीरियड्स इरेगुलरिटी में, अगर आपके मासिक सही से नहीं आता जिन महिलाओं का, जिन बहनों का, या फिर पीरियड के दौरान आपको बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उस परिस्थिति में भी मेथी दाना बहुत अच्छा काम करता है, आप उसको ट्राई ज़रूर करें। दोस्तों, इसके अंदर आयरन पाया जाता है जिसके वजह से अगर आप में खून की भी कमी रहती है, अगर महिलाओं में इवन पुरुषों में भी अगर खून की कमी रहती है तो ये उसमें आयरन इम्प्रूव करने में मदद करता है, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन अच्छा करने में भी मदद करता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, इनडाइजेशन, गैस्ट्रिक कंडीशन, कॉन्स्टिपेशन के लिए। दोस्तों, अगर आपको खट्टी डकार, बदहजमी, पेट फूला रहना, कॉन्स्टिपेशन, इन सारी चीज़ों की परेशानी रहती है तो मेथी दाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। अगर क्योंकि दोस्तों एक्चुअली जो मेथी दाना होता है, जो फेनिग्रिक सीड होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर कंटेंट होते हैं जिसके वजह से वो आपके मोशन को स्मूदन करता है और वो आराम से आपके पेट को साफ करता है, वो बाहर निकल जाता है। इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं तो ये आपके बॉडी के डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। सिक्स पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, अर्थराइटिस पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों, अगर आप किसी अर्थराइटिस कंडीशन से ग्रसित हैं तो इसमें दोस्तों एक्चुअली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसके वजह से ये आपके जोड़ों के दर्द में, उनमें सूजन में, इन सभी परिस्थितियों में बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, किसी भी हर्बल मेडिसिन को अगर आप चेक करें जो स्पेशली जोड़ों के दर्द और किसी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के फॉर्म
में यूज़ की जाती है उसमें चेक करिएगा, मेथी दाना ज़रूर पड़ा होगा। स्पेशली घुटने के दर्द वाली दवाओं में तो ज़रूर इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज आप समझ चुके होंगे कि मेथी दाना आपके शरीर के लिए कितना लाभप्रद है। आप चलिए बात कर लेते हैं कि इसको आपको कैसे लेना है। दोस्तों रात में आप 2 चम्मच मेथी दाने को एक ग्लास पानी में भिगा के छोड़ दें, पूरी रात उसको भीगने दें। सुबह उठ के आप इसको 2 तरह से खा सकते हैं। एक, या तो जो मेथी के दाने हैं इसको आप चबा चबा के खा लें और वापस से वो पानी पी लें। दूसरा, अगर आपको चबाने में दिक्कत हो रही है तो सिंपल आप उन दानों को पिसवा लें और फिर उसी पानी में उसको घोल के सीधे ग्लास पानी का पी सकते हैं। ये हो गया इसको पीने का तरीका। समय कौन सा लेना है? दोस्तों इसको आपको खाली पेट ही पीना है, तभी इसके बेनिफिट आपको मिलेंगे। सुबह उठने के बाद आप ब्रश करके इसको खाली पेट खाएं, ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। तो दोस्तों एक छोटी सी स्पाइस, एक छोटा सा मसाला हमारे किचन का, आप समझ सकते हैं कितने बड़े बड़े रोगों में आपके लिए लाभप्रद है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनको भी इस बेनिफिशियल फेनिग्रिक सीड के बारे में पता चल सके। और दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।